अगर आप भी एक महीने में अपने पूरे शरीर की चर्बी को खत्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान सी एक्सरसाइजेस बिना किसी इक्विपमेंट के, फुल बॉडी वर्कआउट जो आपके पूरे शरीर की चर्बी को कर देगी बिल्कुल खत्म। लेकिन इसके साथ साथ आपको अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना खाने से मतलब है कि आपको हेल्दी चीजें इनटेक करनी है, और जितना भी गंद है, हम सब बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब जबान की बात आती है, टेस्ट की बात आती है, तो हम ऐसे में अपनी जबान को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना, और अपने बॉडी को उस टाइम के लिए भूल जाते हैं। लेकिन यही धीरे धीरे जो हम खाते रहते हैं बाहर का, वही एक दिन हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा फैट को स्टोर कर देता है और कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देता है। तो ऐसे फैट को रखना ही क्यों, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, फिट एंड फाइन रहो और मुझे फॉलो करते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए हमने बिल्कुल अपने हैंड्स को अप करना है, देख लीजिए कैसे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। 1, 2, 3 10 टाइम्स इसे हम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वार्म अप है, इसमें कोई भी सेट्स हम क्रिएट नहीं करेंगे जिससे कि आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी ना हो, आपकी बॉडी में थोड़ा सा स्वेट आ जाए और आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग करना बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट। रिलैक्स। अब अपने हम हैंड्स को रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, देन 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वार्म अप। नेक्स्ट वार्म अप में आपने अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और फिंगर्स को इस तरीके से बैक साइड पे बेंड करना है, लाइक दिस। ओके, डन, ठीक है। अब हम अपने लेग को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग देंगे। ओके, ठीक है। अगर आपके पास वॉल का सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप बैक पे इस तरीके से स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। वर्कआउट में हमने सबसे पहले अपनी वेस्ट पर हैंड को प्लेस करना है, पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, देन वन आर्म अप, देन बैक अप एंड बैक। इससे आपकी कमर पूरी ट्विस्ट हो रही है, जिससे कि वहाँ का फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। आपका हैंड मूवमेंट हो रहा है, जिससे कि आपका जो ब्रा बल्जेस हैं वो भी रिमूव होंगे, यानी जो यहाँ पर एक्सेस फैट स्टोर हो जाता है। ओके, डन। इसको हम करेंगे 20 टाइम्स और इसके हम करेंगे 3 सेट, राइट? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हमें अपनी वेस्ट को इस तरीके से रोटेट करना है 20 टाइम्स 2 सेट्स। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और साथ में आपका जो भी एक्सेस फैट है वो भी बहुत अच्छे से रिमूव होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपने हैंड्स को वेस्ट पर प्लेस करना है और अपने लेग को जितना हो सकता है अपसाइड लेकर आना है। ये बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, प्लीज सारी आपने कंप्लीट वीडियो फॉलो करनी है।
रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए हमें अपने दोनों हैंड्स को यहाँ पर हेड पर प्लेस करना है और अपने लेग को हमें साइड पर लेके जाना है, देन हैंड को भी हमें ट्विस्ट करना है। कंफ्यूज हो रहे हो ना, मत हो, देख लो मुझे। 1, 2, ठीक है। 10 टाइम्स हम करेंगे राइट साइड, 10 टाइम्स हम करेंगे लेफ्ट साइड और इसके हम करेंगे 3 सेट ईच साइड। Other side. Relax. तो यहाँ पे हमारी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। पैरों को हम वाइड कर लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, और अपने हैंड्स को पूरा रोटेट करते हुए हमने फ्रंट पे लाना है, देन बैक पे। कंफ्यूज मत हो, मुझे फॉलो करो। डन। इसी को हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज भी। आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज भी परफॉर्म करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। लेग्स को इस तरीके से हमने वाइड कर लेना है, हमने अपने हैंड्स को इंटरलॉक करना है, पूरा स्ट्रेच पीछे की तरफ, फिर हमने डाउन जाना है। 20 टाइम्स, 4 सेट्स। नीज आपकी बेंड नहीं होंगी। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये वाला वर्कआउट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें, मेरा इंतजार करें। मैं हर दिन आपके लिए कुछ नया लाती रहूंगी और आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।